इंदौर में प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत मिलने वाले लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने ठगी के इस मामले में दंपति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, वहीं आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अब तक 7 लोगों से ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। इंदौर के कनाडिया इलाके में रहने वाली ज्योति पाल ने कुछ समय पहले ही पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी कि एक दंपति ने खुद को बैंक का अधिकारी बताकर प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत सब्सिडी वाला लोन दिलाने के नाम पर करीबन 7 लोगों को ठगा है। आरोपियों ने फर्जी लोन अप्रूवल लेटर दिखाकर उनसे करीब 5 लाख रुपए ठग लिए। फरियादी की शिकायत के बाद पुलिस ने शातिर ठग राजेंद्र मालवीय और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी दंपति ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है, वहीं ठगी के इस मामले में आने वाले दिनों में और भी कई फरियादी सामने आ सकते हैं। अपराध शाखा जिला इंदौर से आज एक अपराध पंजीबद्ध करने के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें आवेदिका ज्योति पाल निवासी मानवता नगर ने शिकायत की थी कि उनके परिचित रामचंद्र मालवीय निवासी शाजापुर ने जो है लोन प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना अंतर्गत लोन दिलाने के लिए जो है इनको बोला था आसानी से लोन करा देंगे। उसमें आवेदिका के कुछ परिचित लोग व्यक्तियों को लोन की आवश्यकता थी, जिनके दस्तावेज लेकर आवेदिका ने जो है आरोपी को सुपुर्द किए थे। उन दस्तावेजों को प्राप्त करने के पश्चात और कुछ नकदी राशि और कुछ खातों में पैसे लेने के बाद जो है आरोपी ने सैंक्शन लेटर AU स्मॉल बैंक के आवेदिका को प्रदान किए थे। AU बैंक के असलियत में वो दस्तावेज जो है AU बैंक द्वारा लोन फाइनेंस नहीं किया गया है। आरोपी द्वारा कूटरचित दस्तावेज लोन फाइनेंस का सैंक्शन लेटर आवेदिका को प्रस्तुत किया, जिस पर जो है वो लोन इनका नहीं हुआ है। उसमें कुल मिला के 7 लोगों के साथ जो है इनके द्वारा धोखाधड़ी की गई है 5,20,000 रुपये की। उक्त पर से अपराध क्रमांक 680/22 धारा 420 467 468 471 34 भादावी का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और विवेचना की जा रही है। आरोपी द्वारा ऐसा भी झांसा दिया गया था इनको कि आपको जो लोन सैंक्शन किया कराया जाएगा, जो अमाउंट आपको मिलेगा उसमें 30% आपको छूट प्राप्त होगी, पूरा अमाउंट आपको नहीं भरना है, उसमें 30% छूट प्राप्त होने के बाद शेष अमाउंट जो है आपको भरना है, और उसी के एवज में पैसे भी लिए गए थे। आवेदिका के साथी शिकायतकर्ता हैं, उनके आवेदन इसमें प्रत्यक्ष संलग्न हुए हैं और वही शिकायतकर्ता हैं। आगे भी शिकायतकर्ता होगी और आपके चैनल के माध्यम से भी हम जो है अपील करते हैं कि किसी और के साथ भी उक्त आरोपी ने अगर ऐसा अपराध घटित किया हो तो वो शिकायत लेकर थाना कनाड़िया पर उपस्थित हो। हाँ, आरोपी की पत्नी के बैंक खाते में कुछ पैसा जो है आया है, उक्त की बैंक अकाउंट डिटेल प्राप्त की गई है और आगे भी जो है आरोपी संबंधित और खातों की जानकारी प्राप्त की जा रही है। फिलहाल जो है आरोपी रामचंद्र मालवीय और उसकी पत्नी के ऊपर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आगे अनुसंधान में और जैसे तथ्य सामने आएंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, आरोपी को पुलिस हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है, उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।